हेलो बडीज, बाबा का फंडा में आज हम याद करने वाले हैं सीलिएटेड एपिथीलियम को। सीलिएटेड एपिथीलियम एनसीआरटी में आपको तीन जगहों पर दी गई हैं। एक ट्रेकी आपको दिया गया है, एक फेलोपियन ट्यूब आपको दिया गया है और एक ब्रोंकियोल आपको दिया गया है। तो अब इसको याद करने का जो फंडा बाबा जी ने बनाया सीलिएटेड एपिथीलियम के लिए वो है, आप जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो कलुआ और जो चिंटू है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कलुआ है वो बैटिंग कर रहा है। तो कलुआ ने चिंटू से कहा कि चिंटू तुम फेंको बॉल, चिंटू तुम फेंको बॉल। तो चलो चिंटू से बॉल फेंकवाते हैं। चिंटू तुम फेंको बॉल, चिंटू तुम फेंको बॉल। अब इसको जरा देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। चिंटू में सी आएगा, तुम में टी आएगा, फेको में एफ आएगा और बॉल में बी आएगा। ठीक। अब सी का मतलब हो जाएगा, हम याद कर रहे हैं सीलिएटेड एपिथीलियम। हम सीलिएटेड एपिथीलियम यहां पर याद कर रहे हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम। दूसरा, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, टी हो जाएगा यहां पर ट्रेकिया, ट्रेकिया। फेको में एफ का मतलब हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और बी का मतलब हो जाएगा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ये जो फेलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। और ये जो ट्रेकिया और ब्रोंकियोल है बेटा, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। जो फेलोपियन ट्यूब है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो टिंकू तुम फेको बॉल से आप सभी सिलिएटेड एपिथीलियम को एक साथ याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्लास 11th की बुक में चैप्टर 7 और चैप्टर 20 में दो जगह पर ये दिए गए हैं, तो मैंने एक साथ आपको बता दिया है। तो कैसी लगी चिंटू की बॉल, कमेंट सेक्शन बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर। अगली वीडियो में मैं आपके लेके आऊंगा एकदम बेहतरीन फंडा, जो का जबरदस्त, जानदार और शानदार। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। जय हिंद।